कमलनाथ सरकार की जन कल्याणकारी योजना मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के तहत देपालपुर में 24 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जहां देपालपुर विधायक विशाल पटेल का अनोखा सेल्फी अंदाज चर्चा का विषय बन गया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। सरकार की योजना का जन जन तक लाभ पहुंचे, उसी के चलते देपालपुर में जनपद पंचायत द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह का आयोजन देपालपुर के मंडी परिसर में किया गया, जिसमें 24 जोड़ों का विवाह संस्कार संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर देपालपुर के विधायक विशाल पटेल पहुंचे, साथ ही कई गणमान्य अतिथि और अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान आशीर्वाद के समय देपालपुर के विधायक विशाल पटेल का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला, जहां विधायक ने नवविवाहिताओं के संग आशीर्वाद देने के साथ ही सेल्फी भी ली और हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। जो जीवन आपने 15 साल 20 साल 25 साल जो आपने जो गुजारे हैं इस घर में, ऐसा ही घर जो आपने यह संवारा है, यही अगला घर जिस घर में आप जा रही हैं उस घर को भी संवारने का कार्य आप खुद का भी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस घर में जो बहुएं आ रही हैं, जो हमारी बहनें जो जा रही हैं, जो बहू बन के जा रही हैं, उन सासू माओं से भी कि जो लाड़ प्यार आप आपकी बेटी को देते हैं और जो अपेक्षा करते हैं कि मेरी बेटी सुखी रहे दूसरे घर जाकर, ऐसा ही उन माताओं से भी मेरा निवेदन है, वही प्यार और वही दुलार अगर आप उन इन बच्चियों को देंगे तो निश्चित तौर पर आपके घर में जो कमी हो रही है, कहीं ना कहीं आपके घर से एक बच्ची दूसरे घर जा रही है। लेकर नवविवाहित जोड़ ने हर्ष प्रकट करते हुए कहा कि वे काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं और वे इस रिश्ते को आगे तक निभाएंगे। विधायक का हाँ, विधायक जी का आशीर्वाद मिले और हमसे बोला से कि अच्छे से साथ निभाना, अच्छे से रहना। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा, इतने सारे लोगों में मेरी शादी हुई, ऐसी शादी मेरे घर पे भी नहीं हुई थी और विधायक जी ने हमारे साथ आशीर्वाद दिया, सेल्फी ली, वो बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए जनपद CEO राजू मेड़ा ने बताया कि प्रत्येक जोड़ों के लिए खाने का पैकेट उपलब्ध करवाया गया है और सभी कन्याओं के खाते में सरकार के द्वारा 48,000 रुपए जमा करने की प्रक्रिया भी चल रही है। आज जनपद पंचायत देपालपुर और सामाजिक न्याय विभाग इंदौर के द्वारा आज मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आज यहाँ प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें 24 जोड़ों को लाभान्वित किया गया है शासन की योजना से। इसमें सभी 24 जोड़ों की शादी पूरी व्यवस्थित व्यवस्था के साथ करा दी गई है और प्रत्येक जोड़े को भोजन पैकेट के तौर पे हमने हर वर वधु को भोजन पैकेट की भी व्यवस्था कराई है, वो भी दिया जा रहा है। साथ ही शासन से जो कन्या के खाते में हमें 48,000 रुपये जमा करने हैं, उसकी कार्रवाई भी हमने पोर्टल पर कर ली है। वहीं देपालपुर विधायक विशाल पटेल ने बताया कि कमलनाथ सरकार का मकसद समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं से जोड़ना है। साथ ही उन्होंने कहा कि CM कमलनाथ अपने हर उस वादे को पूरा कर रहे हैं जो उन्होंने चुनाव के पूर्व किए थे। माननीय कमलनाथ जी का घोषणा थी और जैसे ही सरकार बनी ऐसे ही वो घोषणा पूर्ण हुई। 51,000 रुपये कन्यादान राशि के रूप में हर एक बच्चियों को मिले, ये स्वप्न उन्होंने देखा था और जैसे ही वो बने उन्होंने उसको सार्थक किया और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी राशि घर परिवार की शुरुआत करने के लिए अगर किसी परिवार को मिल रही है तो एक अच्छी बात है। और मैं माननीय कमलनाथ जी को, माननीय पूरी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा कार्य वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से महिला सशक्तिकरण को निश्चित तौर पर बढ़ावा मिलेगा, इससे समाज में फैली उस भ्रांति को तोड़ने में सहायता मिलेगी जिसमें बेटियों को शादी करवाने के नाम पर बोझ समझा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट MP News देपालपुर।